कुछ ही महीनों पहले की बात है जब भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट में इतिहास का सबसे बड़ा स्लोडाउन देखने को मिला था, -23% का। और होता भी क्यों ना, जिस तरह की महामारी चाइना ने फैलाई थी उसमें अर्थव्यवस्था या फिर व्यापार से पहले देश के स्वास्थ्य को तो रखना ही था, क्योंकि अगर जिंदा रहेंगे तभी तो देश की आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे। लेकिन फिर भी भारतीय सरकार की चारों तरफ कड़ी आलोचना की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि इस सरकार की आर्थिक नीतियों ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना की वैक्सीन आने के बाद इस महामारी का प्रभाव कम हो रहा है और आम लोग इसी के साथ जीना सीख रहे हैं, वैसे वैसे अब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और देश एक बार फिर आर्थिक महाशक्ति बनने की रेस में सबसे आगे निकल रहा है। और ये चीज साफ हो रही है दुनिया भर की ग्लोबल फाइनेंशियल एजेंसीज की रिपोर्ट से, जिनके मुताबिक साल 2021 से 22 में भारत एक बार फिर चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वैसे ये तो अगले साल की बात थी। आज के हालातों की बात करें तो अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौटने का सबसे बड़ा सबूत है देश का फॉरेक्स रिजर्व, जिसमें लगातार हर हफ्ते उछाल देखने को मिल रहा है। दिवाली और फेस्टिवल सीजन से मिली अर्थव्यवस्था को रफ्तार के साथ अब बजट पेश होने के बाद एक और गुड न्यूज आ गई है। कोरोना महामारी के संकट से उभरते हुए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ये वैसे भारतीय सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक तरफ दुनिया के कई देशों का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है तो दूसरी तरफ भारत लगातार नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। पिछले हफ्ते भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब $1 बिलियन बढ़ा था और अब मनी कंट्रोल के वाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि 29 जनवरी को खत्म हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $590 बिलियन के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मात्र 7 दिनों के अंदर अंदर विदेशी मुद्रा भंडार में $4.85 बिलियन का उछाल देखने को मिला है। इसी के साथ ये मौका इतिहास में पहली बार आया है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $590 बिलियन के पार पहुंच गया हो। और सबसे खास बात यह है कि फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में भारत ने रशिया को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर अपने आप को काबिज कर लिया है। रशिया का विदेशी मुद्रा भंडार भारत से करीब $1 बिलियन कम $589 बिलियन है। नया बजट पेश होने के बाद भारतीय मार्केट और अर्थव्यवस्था में निवेश तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में भी भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स ऐसे ही तेजी से बढ़ते रहेंगे और रशिया भारत से काफी पीछे रह जाएगा। $590 बिलियन इतनी बड़ी रकम होती है कि इससे भारत अगले 15 से 16 महीनों तक अपना इंपोर्ट बिल भी चुका सकता है। इसका मतलब है कि अगर भारत के पास विदेशी पैसा ना भी आए तो अगले 15 महीनों तक विदेश से आने वाले सामान की कीमत भारत बैठे बैठे चुका सकता है, जो कि ये दर्शाता है कि भारत आर्थिक रूप से पूरी तरह संपन्न है। वैसे इस चीज से ये भी साफ हो जाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के फैसलों का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे में मन में ये ख्याल आना तो लाजमी है कि इस संकट के दौर में भी भारत का फॉरेक्स रिजर्व कैसे बढ़ रहा है। वहीं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के इतनी तेजी से बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश यानी कि FDI और FCA का बढ़ना। पिछले कुछ महीनों में यह देखा गया है कि चाइना से निकल रही कंपनियां भारत में दिल खोल के निवेश कर रही हैं। इसी के साथ विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए पिछले कुछ महीनों में मोदी सरकार ने बड़े आर्थिक फैसले लिए हैं। भारत ने हाल ही में कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया था और व्यापार करने के लिए कानूनों को आसान बनाया था, जिनकी वजह से कोरोना महामारी के संकट के बीच भी भारत में निवेश लगातार बढ़ रहा है। आज के समय दुनिया के बड़े बड़े देश जहां पर विदेशी निवेश लाने में नाकाम हो रहे हैं, वहीं भारत के लिए ये बड़ी कामयाबी है। वैसे भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का टोटल फॉरेक्स रिजर्व $13 बिलियन का है, जो कि भारत के $590 बिलियन के मुकाबले कहीं खड़ा नहीं होता। आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।